कोरबा के कलेक्ट्रेट में नलों से पानी आना बंद हो गया है, जिससे वहां आने वाले लोगों को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में लोगों को प्यासे रहकर अपने कामकाज करवाने पड़ रहे हैं। दरअसल अविभाजित मध्य प्रदेश की दिग्विजय सरकार के दौरान साल 1998 में कोरबा नया जिला बना था। उस समय मध्य प्रदेश शासन में सर्व सुविधायुक्त कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण हुआ और पेयजल के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पैनल नल लगाए गए थे। तब से लेकर अब तक कई कलेक्टर आए, लेकिन किसी ने आम जनता की प्यास बुझाने वाले नलों की ओर ध्यान नहीं दिया। अब परिसर में लगे सभी नल खराब हो गए हैं। वहीं पैनल नलों का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्र कुमार श्रीवास ने। अभी हम खड़े हैं कोरबा कलेक्टर ऑफिस के जस्ट सामने में, जहां पे यहां के वर्षों से बनी हुई कलेक्टर ऑफिस, यहाँ पे जो नल है पियाऊ के लिए जो बनाया गया था आम जनता के लिए, और यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये जो पियाऊ है, यहाँ पे जो नल लगाया गया है, किस तरह से ये जर्जर स्थिति में है। यहाँ पे कितने कलेक्टर आए गए, लेकिन आम जनता के लिए बनाए गए जो पियाऊ है, ये जो नल देख रहे हैं, ये सिंटेक्स लगा हुआ है, किस हालत में है। जिस भीषण गर्मी में इंसान के कंठ तो सूख रहे हैं, साथ ही साथ इस नल का भी कंठ सूख गए हैं, साथ ही साथ इसके टूटे भी निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी अधिकारी आए हैं गए हैं, उनको इस नल के बारे में उनको क्या संज्ञान में लेना उचित नहीं लगा। यहाँ पे जो हजारों लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस आते हैं, यहाँ से जो गुजरते हैं, उनको पानी पियाओ की जो जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे लगा रहता तो लोग यहाँ का उपयोग करते, इस पानी का प्रयोग करते। लेकिन इस भीषण गर्मी में इस कोरबा शहर में अभी तक एक भी पियाऊ देखने के लिए नहीं मिला है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र, चंद्र कुमार श्रीवास, के न्यूज इंडिया, कोरबा।